हेलो फ्रेंड्स, आज से हम आर्डिनो के वीडियोस की एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। इसके पहले अगर आपने मेरे आर्डिनो के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें से ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो मैंने इस्तेमाल किए थे वे लो डीसी वोल्टेज पर, यानी आर्डिनो की जो कैपेसिटी है 5 वोल्ट तक की, उसी के ऊपर चलने वाले जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे उतने हमने इस्तेमाल किए थे। और आज से हम रेगुलरली जो एसी ऑपरेटेड हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें हम आर्डिनो का इस्तेमाल करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखेंगे। इसके लिए जिस किसी चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और उसके एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने आर्डिनो के साथ एक एक्सटर्नल रियल टाइम क्लॉक कनेक्ट किया है और इसमें हमने एक प्रोग्राम फीड किया है। यह प्रोग्राम एक तय तारीख और तय वक्त पर इस बल्ब को ऑन करेगा और फिर 20 सेकंड के बाद उसे ऑफ करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक 5 वोल्ट एसी रिले का इस्तेमाल किया है। इस रिले को हम एक ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई से 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। इस रिले को आर्डिनो के पिन नंबर 7 से इनपुट सिग्नल मिलता है और रिले के आउटपुट को हम बल्ब को नॉर्मली ओपन कनेक्शन में जोड़ते हैं, यानी रिले से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट नॉर्मली ऑफ रहेगा और जब रिले को आर्डिनो से सिग्नल मिलेगा तब वह ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमने एसी पावर सप्लाई की एक वायर कनेक्ट की है। ट्रिगर मिलने पर यह स्विच ऑन होगा और यह बल्ब जल उठेगा और फिर 20 सेकेंड के बाद बल्ब फिर से ऑफ हो जाएगा। तो यह होते समय आर्डिनो के सीरियल पोर्ट का आउटपुट भी हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए गए रियल टाइम क्लॉक DS3231 RTC के बारे में जानकारी लेंगे। अमेज़ॉन पर ऑनलाइन मिलने वाले इस रियल टाइम क्लॉक को एक रिचार्जेबल बैटरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन रिचार्जेबल बैटरी महंगी होने से आमतौर पर इसे नॉन रिचार्जेबल बैटरी सेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है और उसके कारण कुछ दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, जैसे बैटरी गर्म होना या बैटरी फूल जाना, इस तरह की दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। तो इस दिक्कत को कैसे दूर करें यह भी हम अगले वीडियो में देखेंगे।